और ये बाइक थी हमारी, दूसरी बाइक ये। तो भाई ड्राइवर साहब चढ़ाया कैसे इस बाइक को? अगर यहाँ पे कोई बाइक मतलब लाना चाहता हो तो उसके लिए क्या राय देना चाहोगे आप? नई बाइक हो तो लाओ, पुरानी मत लेके आओ। ओ भाई, और भाई आप पे है नई बाइक, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, पर क्या कह सकते हैं, हम पहले गियर में तो पूरा घर 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 कर रही तब जाके पहला गियर फिर दूसरा गियर, बड़ी मुश्किल से गाड़ी चढ़ाई है मैंने, फर्स्ट बार चढ़ाई मैंने इतनी ऊपर पहाड़ पे। इससे पहले भाई आप यहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर आए थे झंडा, तो कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है। और आप भाई? 4 साल बाद आए। 4 साल बाद फिर क्या कुछ मतलब यहाँ पे कच्चा रास्ता सब तो पक्का बना दिया है। अच्छा, क्या कुछ चेंजेस आया फिर यहाँ पे इस सड़क पे? मतलब चेंजिंग ये कि पक्का रास्ता बन गया, पहले कच्चा था यहाँ पे, बाइक आने का कोई चांस नहीं था। अच्छा, और आप मतलब अभी चढ़ाया आपने बाइक, तो कैसा लगा अभी? बाइक चढ़ाया, बाइक की ना हो गई, पसीने निकल गए हमारे। और भाई ये छोटा सरकार, आप क्या बोलना चाहोगे? आप इससे पहले आप आए थे यहाँ पे? फर्स्ट टाइम है भाई। कैसा लगा आने में? बहुत बढ़िया। तो आप हंस कैसे रहे हो? यहाँ ये मेरी तितली, ओ यहाँ तो तितलियाँ तितलियाँ हैं, नजारे नजारे। जूते यार घूम भी हो जाते हैं यहाँ पे। कितने के हैं जूते? 150 रुपया देगा। मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, यहाँ का व्यू तो अति सुंदर है, हरियाली हरियाली।
तो देख सकते हो यहाँ का व्यू। यहाँ पे आने के बाद बस एक ही बात बोलूंगा कि बार बार आओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये रहा है वो महाकालेश्वर जी की मंदिर। और पिंटू हमारा आते ही सेवा में लग चुके हैं। यहाँ पे पता नहीं कहाँ पे है। क्या करें, लड्डू डू इसी खिला दे। हो रहा, वो सेवा पानी में जुट चुका है। कोई यार सोच रहा कि मैं यहाँ काम करता हूँ। हर हर महादेव। तो दोस्तों हम दर्शन करके वापसी जा रहे हैं मन नीचे की तरफ। अब जाएंगे दूसरे ऊपर, ऊपर भी मंदिर है वहाँ। हर महादेव। ये तीन छुटकू मेरे साथ है, इनको बहुत शौक है घूमने का। इनको चार रोज घुमाओ रोटी भी ना दो पूरा दिन। यस सही बात है। दर्शन भी कराओ पर कहीं रोटी ना दो कोई चक्कर ना। अच्छा दर्शन कर तो लिए और अब नीचे जा रहे हैं। अब तेरे ऊपर जाएंगे हम। अब जाएंगे उस तरफ, आगे भी दो मंदिर हैं। जाएंगे हम तेरे ऊपर, मां खाएंगे हम भंडारा। अब भंडार के बाद सीधे घर। पनीर पनीर बनाओ। तुम लोग ना बहुत बदतमीज, बहुत बदतमीजी करते हो यार। गजब बेइज्जती है। उधर से आना, भंडारे में पनीर मांग रहे हैं। उधर से आना इसका रास्ता। क्या चाहिए भंडारे में? पनीर पूरी मांगे भंडारे में। ये देखो एक नमूना हेलमेट पहन के आ रहा पीछे बिना बाइक के। ओ यार सिर में मार रहे थे, सिर में बचने। ओ यार हेलमेट टूट जाएगा यार, पत्ती भी हो रही है बिल्कुल के बिल्कुल। तभी भी आया ना नाम यार। ये बार जा रहे हैं ऊपर की तरफ। सिर में बचने के लिए हेलमेट पहन रखा है। मैं आगे जाता हूं यार। ओए गर्मी गर्मी समझी ना। ये रही रहा रास्ता। ये बार बार मार रहे थे मुझे। ये नमूना एक नमूना नहीं हो, ये मार रहे थे साथ सिर पे। तो यहाँ पे कभी भी झंडे वाला आओ दर्शन करके जाओ। बहुत अच्छा मंदिर है यहाँ पे, पहले से अच्छा बहुत सुधार हो गया है। हम आगे इस टाइम जंगल में। फिर की गलती है यार, घर एक तो गर्मी लग रहा जहाँ, और मैं हेलमेट पहनना नहीं जा रहा था। इनका रास्ता कहाँ से? काफी गर्मी लग रही है यहाँ पे, ठंड होनी चाहिए इतनी हाइट पे, 3-4 किलोमीटर की ना। तो जी दर्शन कर लो शिव भगवान जी के नए अवतार में। इधर ये हमारे गणेश जी खड़े हैं। ये कार्तिक हैं। इधर ये जा रहा। तो गाइस ऊपर की तरफ दो मंदिर, अभी वहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं हम। कच्चा रास्ता है इसलिए बाइक हमारी नीचे खड़ी है, तो पैदल ही जा रहे हैं। देखते हैं अभी कितनी दूर है।
गर्मी में बुरा हाल, इतनी आज पे भी गर्मी है। बस पहुंचने वाले हैं, 5-2 मिनट का रास्ता रह गया। आगे तो चले गए, दो नमूने हैं, बदतमीजी करते हैं ज़्यादा। पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, ये अभी बनाए हैं दो एक साल से, ये झंडा वाले के मंदिर है। लो जी, हनुमान जी के दर्शन करो। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, ये अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। अभी तीसरा ही ब्लॉक है हमारा, हमें इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। ये गौरी माता का मंदिर है, गौरी दर्शन करो गौरी माता के। बोल साचे दरबार की जय। चलो गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। A few moments later. Hello guys, कैसे हो आप सब? कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे। हम यहाँ झंडे वाला आए थे घूमने के लिए, आज हमने छुट्टी कर ली है तो वहाँ नीचे से अच्छी हवा तो यहाँ पे लग रही है। और यहाँ पे देख सकते हो आप कितना सुंदर। तो यार भाई लोग, हम आए थे यहाँ पे महाकालेश्वर जी की मंदिर झंडा, जो कि हरियाणा में पड़ता है। और ये घंटा यार हमारे स्कूल के, जो मोगिना स्कूल के, जो कि हिमाचल में पड़ता है। कम से कम झंडा कितना किलोमीटर होगा यहाँ से, मतलब मोगिना से? मोगिना से 5-6 किलोमीटर दूर होगा। हाँ बता, 5-6 किलोमीटर होने के बावजूद भी, मतलब दो बच्चे हमारे क्लास के प्लस वन के पंख मार के सीनियर स्कूल मोगिना से आए। हाँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगिना से पंख मार के आए हैं दो बच्चे, और वो भी स्कूल ड्रेस में अपनी बाइक लेके, बोल सकते हो और भी प्लस वन है उनका, और अभी भी पंख मारना स्टार्ट करे। चल दिखाता हूँ ये कौन है, दोस्त है अपना। हाँ भाई जी, क्या अरे कद दस उड़े वहां बैठे थे, प्रार्थना में जाने के बाद नहीं बैठे थे। मैडम आई, वो मेरे क्या है वहां दिमाग घूम रहा है, मेरे का सिर में दर्द रहा है। अच्छा, मैडम गरी करना पड़ चुका फिर लिख के आया है एप्लीकेशन लिखा गया है। मैडम ने खुद लिख दिया करा, मुझे और कैसी हुई थी घर आना चाहिए था तब। तू फिर यार घर आने जगह ना चित्र बनते। यहाँ पे दो लड़के मिले थे, मैं स्कूल से छुट्टी करके आए थे घूमने के लिए, तो हम देखते हैं कि अब क्या करते हैं, धूप भी बहुत हो गई। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं दूसरे मंदिर पर दर्शन करके, अब वापसी की तरफ जा रहे हैं। और सामने से बड़ा मंदिर है वहाँ पे, पहले हमने वहाँ पे दर्शन किए, फिर हम इस तरफ आए नीचे की तरफ, वहाँ पे भी गए हम नीचे की तरफ, हम वापसी जा रहे हैं। गर्मी बहुत लग रही है, तो हमने आप लोगों को सब कुछ दिखाया, सब जगह के दर्शन कराए। हम चल दिया वापसी की तरफ, वापसी 10 मिनट का रास्ता है पैदल का। लगता है आज किस्मत में तो यहाँ पे आना, 3 दिन से प्लान कर रहे थे यहाँ पे आने के लिए, तो आखिरकार हम यहाँ पे पहुँच ही गए, दर्शन भी हो गए हमारे। सबसे आइट पे बड़े वाला मंदिर है, इसके बाद छोटी छोटी पहाड़ियों पर है। चलो मिलते हैं अभी नीचे उतर के। तो भाई, हम पहुंच गए नीचे ऊपर से, अब जा रहे हैं अपनी बाइक की तरफ। यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है, मजा आ गया यहाँ पे घूम के ना। तो खूब आप मज़ा लिया, आनंद लिया। हम बिल्कुल अब पहुंच गए नीचे ग्राउंड में, जहाँ के हमारे 3 दोस्त और जा रहे हैं। वो दोस्त के दो लड़के स्कूल गए हैं स्कूल से, उनके दोस्त थे। चलो
हम चलते हैं वापसी की तरफ, बाइक की तरफ। चलो मिलते हैं फिर बाद में। ओके बाय।